भाइयों और बहनों, कांग्रेस और एनसीपी के नेता जन भावनाओं को नहीं समझ पा रहे, और जिसकी सजा पिछले लोकसभा के चुनाव में पूरे देशवासी दे चुके हैं, और इस बार भी चाहे महाराष्ट्र हो चाहे हरियाणा हो, कड़ी से कड़ी सजा जनता जनार्दन देने वाली है। बल्कि इस बार तो उनकी हालत और भी खस्ता है। आप कल्पना कर सकते हैं, जिस सातारा को कभी ये अपना अभेद्य किला माना करते थे, वहां से लोकसभा चुनाव लड़ने तक की हिम्मत नहीं कर पा रहे। कभी ये सीट एनसीपी के पास थी, लेकिन एनसीपी वालों ने पृथ्वीराज चव्हाण जी को यहां से उतरने के लिए कहा, लेकिन जमीन पर जो हालात है उनको भांपते हुए उन्होंने कहा, नहीं भाई माफ करो। उन्होंने वहां से उल्टा पासा फेंका और कहा कि शरद राव क्यों नहीं मैदान में उतरते। लेकिन शरद राव है, वो हवा के रुख को भली भांति जानते हैं, उसके वो बड़े खिलाड़ी है, और इसलिए उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया, जी नहीं मेरा काम नहीं है। साथियों, ये जो किस्सा मैंने आपको बताया है ये कोई सीक्रेट नहीं है, बल्कि ये खुद पृथ्वीराज चव्हाण जी का बयान है। अपने इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा है, ये सातारा के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी की युति की यही एक सच्चाई बची है। वहां दलों के भीतर भी दंगल है, और दोनों दलों को नेताओं और कार्यकर्ताओं में भी जोरों का दंगल चल रहा है। वो एक दूसरे को हैसियत बताने के लिए बिसात बिछा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा शिवसेना की महायुति महाराष्ट्र को और महान बनाने के मिशन पर निकल पड़ी है। भाइयों और बहनों, जहां कार्यकर्ताओं में गठबंधन में ही बंटवारा है, वो महाराष्ट्र के समाज को एकजुट भला कैसे कर सकते हैं। इनकी राजनीति का एक ही आधार है, बांटो 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 और मलाई खाओ। ये संस्कार छत्रपति शिवाजी के बिल्कुल नहीं है। उन्होंने तो समभाव और सद्भाव से राष्ट्र सेवा का मार्ग हमको दिखाया है। इसी रास्ते को बीते 5 वर्षों में महायुति की सरकार ने सशक्त किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसको हमने शासन का मूल मंत्र बनाया है।